हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हेलोरेंस के। हेलोरेंस क्या होते हैं देखो, तो इससे पहले हमने हेलोएल्केन्स पढ़ा था, अब इसके बाद हेलोरेंस पे बात करेंगे। तो हेलोरेंस क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो हकल नियम यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का पालन करते हों और जिनमें बेंजीनिंग या उसके डेरिवेटिव होते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो देखो, हेलोरेंस क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड से बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं हेलोरेंस। इनको एरिल हैलाइड भी कहते हैं। यानी अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन जोड़ दें तो उसी को क्या कहेंगे, हेलोरेंस या एरिल हैलाइड। तो चलिए देखते हैं हेलोरेंस। आज का लेसन है हमारा हेलोरेंस। तो हेलोरेंस क्या है देखो, भी जैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, ये क्या है बेंजीन C6H6। तो अगर हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें, एक हाइड्रोजन हटा के उसके स्थान पे क्या जोड़ दें, हेलोजन जोड़ दें, तो यहां पे क्या आ जाएगा एक्स। तो इसी को कहते हैं हेलोरेंस, हेलोरेंस या एरिल हैलाइड। ये इसे क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड। और ये क्या है, बेंजीन। ये है बेंजीन। तो यानी हेलोरेंस क्या है, हेलोरेंस हम ये कह सकते हैं कि जब हेलोजन परमाणु सीधे डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा वो हेलोरेंस होते हैं, ठीक। या ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं, हेलोरेंस या एरिल हैलाइड कहलाते हैं। तो जैसे देखो एग्जांपल हमने देखा, एरोमेटिक कंपाउंड में से हमने एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक हेलोजन जोड़ दिया, तो जो कंपाउंड बना है वो डेरिवेटिव है किसका, बेंजीन का डेरिवेटिव है। इसलिए अब किसको जोड़ने से बना, हेलोजन को जोड़ने से बना। तो इसका मतलब क्या है, बेंजीन का हेलोजन डेरिवेटिव है और इसी को कहते हैं हेलोरेंस या एरिल हैलाइड। तो ध्यान रखना, लेकिन जब हेलोजन परमाणु सीधे किससे जुड़ा होगा, बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, बेंजीन के कार्बन से जुड़ा होगा, वही होगा हेलोरेंस। कैश कौन कौन से हेलोरेंस हो सकते हैं देखिए, क्या जैसे ये कंपाउंड हमने लिया, इसमें यहां जोड़ दिए हमने मान लो ब्रोमीन, या इसमें जोड़ दिए हमने HCl, ये क्लोरीन, इसमें जोड़ दिया आयोडीन, यहां पर इसमें जोड़ दिया आयोडीन, या इसमें जोड़ दिया देखो Cl और यहां जोड़ दिया CH3। यानी इन सभी में हेलोजन एटम सीधे बेंजीनिंग से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सारे ही क्या है, हेलोरेंस हैं, सब हेलोरेंस हैं। देखो आयडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन भी होगा। और जैसे फ्लोरोबेंजीन यहां पे जोड़ दो फ्लोरोबेंजीन, इसका नाम तो है फ्लोरोबेंजीन, ये फ्लोरोबेंजीन। और ऐसे ये है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और ये कहलाएगा आयडोबेंजीन, ये हाइड्रोबेंजीन। ये क्या, ऑर्थो क्लोरो टॉल्वीन, ऑर्थो क्लोरो टॉल्वीन, ये। तो देखो ये हेलोरेंस हैं, हेलोरेंस। अब हेलोरेंस को देखो, यानी अगर हम, यानी जैसे अगर अब हम क्या करें सीधे, यानी अगर बेंजीन की साइड चेन वाले कार्बन से हेलोजन जोड़ दें
तो वो एरिल एल्किल हैलाइड होगा या नहीं, तो उसको देखते हैं भी हैलोरेंस है या नहीं। वो तो सारे हैलोरेंस कह दो, ये क्या कहलाते हैं, एरिल हैलाइड, या ये कहलाते हैं एरिल हैलाइड्स, इन्हीं को एरिल हैलाइड्स भी कहते हैं। तो देखो इसके बाद अब हम देखते हैं, ये तो सारे हैलोरेंस हैं ही, इसके बाद देखो और बात करते हैं हम इसके। हैलोरेंस के अंदर अब अगर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, देखो बेंजीन रिंग है ये, और इसमें यहां पे जुड़ा हुआ CH3 ये जुड़ा हुआ, और ये कार्बन, ये इसके 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, ये कार्बन और ये, तो देखो अब हमने क्या करा, बेंजीन के साइड चेन में एक कार्बन लगा दिया, ये वाला कार्बन, यानी बेंजीन के कार्बन तो ये है लेकिन एक कार्बन हमने साइड में लगा दिया, इसे कहते हैं साइड चेन कार्बन। अगर हम इस पे तीनों हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये तो कहलाएगा टॉलुइन, ये तो है टॉलुइन। लेकिन अगर मैं एक हाइड्रोजन के जगह हैलोजन जोड़ दूं, जैसे Cl जोड़ दिया मैंने, और एक हाइड्रोजन की जगह फिर एक और हैलोजन जोड़ दिया, 2 Cl आ गए। अब तीनों हाइड्रोजन के स्थान पर मैं तीनों हैलोजन जोड़ दूं, इन्हें देखिए जब बेंजीन रिंग में जो साइड चेन कार्बन है उस पे जब हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, अगर उन हाइड्रोजन को हम हैलोजन द्वारा हटाते चले जाए तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो एरिल एल्किल हैलाइड होगा, उसमें प्रॉपर्टी एल्किल हैलाइड वाली होती है, एरिल हैलाइड वाली नहीं। अब देखो जैसे ये वाला टॉलुइन है, मैंने इसका देखो हैलोजन अब डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से नहीं है, डायरेक्ट किसे, साइड चेन वाले कार्बन से, यानी बेंजीन के कार्बन तो ये है लेकिन हैलोजन हमारा साइड चेन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका ले गया इस ऐसे कंपाउंड यानी जिनमें हैलोजन बेंजीन से डायरेक्ट ना जुड़ करके क्या जुड़े, उसके बेंजीन रिंग के साइड चेन वाले कार्बन से जुड़ जाए, उसी को कहते हैं एरिल एल्किल हैलाइड, उसको हैलोरेंस नहीं कह सकते। तो ये क्या एरिल एल्किल हैलाइड, इसका नाम तो है बेंजील क्लोराइड, इसका नाम है बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड या बेंजील क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये होगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ऐसी कंपाउंड्स ये सारे क्या कहलाते हैं, ऐसी कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरिल एल्किल हैलाइड, ऐसी कंपाउंड एरिल एल्किल हैलाइड कहलाते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट हैलोरेंस, तो एरिल एल्किल हैलाइड इन, उसमें एरिल रिंग भी है, एल्किल हैलाइड में है और हैलोजन, लेकिन हैलोजन किससे जुड़ा होगा, हमारा एल्किल ग्रुप में कार्बन से जुड़ा होगा, इसलिए इनको कहते हैं एरिल एल्किल हैलाइड्स, ठीक। इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं हैलोरेंस की, और बात करते हैं हैलोरेंस में देखो ये क्या है, तो देखिए इसमें जैसे अगर इसको ये जोड़ दें हम, यानी हैलोरेंस हैलोरेन के बनाने की विधि, हैलोरेन की बनाने की विधि, यानी हैलोरेंस को हम किस किस के द्वारा बना सकते हैं, एक बार पहले हैलोरेंस बता दूं आपको। देखो जैसे देखो ये वाला कंपाउंड्स है हमारे पास, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है,
इसमें सिक्स कार्बन होते हैं, इसमें जोड़ दो यहाँ हेलोजन, इन सब पर क्या जोड़ा है, यहाँ भी बीआर जोड़ दो, ये हेलोजन, और इन सब पर जोड़ दो भी हाइड्रोजन, इन सब पे जोड़ दिया हमने हाइड्रोजन, और यहाँ भी डबल सिंगल डबल, और ये बनेगा दूसरा कंपाउंड बनेगा इसमें, ये इसका सेकेंड कंपाउंड हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक बीआर यहाँ जोड़ दिया हमने और एक बीआर इस बार यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, और सब पे आ जाएंगे हाइड्रोजन, और वही डबल सिंगल, फिर एक कार्बन चेन और बनाई हमने और यहाँ पे बीआर है, इस बार हमने इसको पैरा पे जोड़ दिया बीआर को, ये हाइड्रोजन और सब पे हाइड्रोजन। अब हमारे पास देखो ये सारे हैलोजन्स हैं, क्योंकि हैलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, देखो ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन रिंग से, ये भी डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन देखो अभी इसमें दो हैलोजन आ रहे हैं, यहाँ भी दो हैलोजन, इसमें भी दो हैलोजन और इसमें भी दो हैलोजन आ रहे हैं, तो देखो जब उसके पास वाला कार्बन, जब कोई फंक्शनल ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ हो और फिर उसके बाद जो आने वाला समूह उसके पास आके जुड़ जाए, तो इसे कहते हैं ऑर्थो, यानी उसके नियरेस्ट कार्बन को कहते हैं ऑर्थो, मेटा कहते हैं अल्टरनेट कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप से अल्टरनेट जो कार्बन होंगे एक छोड़कर एक, उसे कहते हैं मेटा, पैरा कहते हैं उसका अपोजिट कार्बन जो उसके सामने होगा बिल्कुल, तो देखो इसके नियरेस्ट कार्बन, ये बीआर पहले से यहां है यानी हैलोजन तभी तो होगा, ये बीआर यहां जुड़ा हो तो इसके पास वाले दोनों कार्बन ये है, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, इसको छोड़कर के आएगा मेटा, और फिर उसके सामने क्या है पैरा, यानी ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, तो देखो यहां ऑर्थो पैरा हैलोजन और ये बीआर उस पे मेन कार्बन पे पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसे लिखेंगे ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, इसका नाम बनेगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, इसका नाम बनेगा पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, तो कैसे बनेंगे देखो इसको, जब तक काउंटिंग लिख दो 1 तो ऐसे लिख दो 1 2 3, इसका बनेगा 1 2 3 और ये 4, तो इसका तो बन जाएगा 1 2 डाइब्रोमो, देखो 1 पे भी है बीआर और 2 पे भी, तो 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, ऐसे इसका है ना नॉमेनक्लेचर करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऐसे होगा 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, ये लिख दो ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ऐसे ही इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाइब्रोमो, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, ये इसको लिख सकते हैं मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, ये वाला, ऐसे ही इसका क्या नाम होगा 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन, 1 4 डाइब्रोम बेंजीन या पैरा डाइब्रोम बेंजीन, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, तो देखो इसको ये भी लिख सकते हैं और इनके नाम ये भी हैं, ये वाले, तो ध्यान रखना है ये वाला कार्बन तो क्या होगा ऑर्थो, इसको क्या कहेंगे ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा, ऑर्थो मेटा, और ये क्या होगा फिर पैरा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये बेंजीन है, इसमें जब बाहर से कोई हैलोजन डायरेक्ट आकर जुड़ेगा क्या बन जाएगा हैलोजन, तो इसका ये कार्बन तो होगा ऑर्थो, ये होगा मेटा और ये होगा पैरा, ऐसे देखो इसका ये होगा ऑर्थो, ये होगा मेटा और ये होगा पैरा, तो ये हैलोजन देखो ये वाला जुड़ा हुआ, तो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसकी पोजीशंस होती है ऑर्थो मेटा पैरा, तो ध्यान रखना ऑर्थो मींस उसके पास वाले कार्बन, मेटा मींस एक छोड़कर एक नेक्स्ट कार्बन,
और पैरा मीन्स आमने सामने वाले कार्बन होते हैं, किसके, जो फंक्शनल ग्रुप में पहले से जुड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं, हम डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। देखो डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, ऐसा ग्रुप है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह जो आने वाले समूह का स्थान निश्चित करे उसको कहते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर वो आने वाले समूह को ऑर्थो पैरा पे जोड़ता है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, आने वाले समूह को अगर वो मेटा पे जोड़ने के लिए कहता है तो उसे कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर या एल्किल ग्रुप्स होते हैं, इसका लगे वो ऑर्थो पैरा पर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। मेटा डायरेक्टिंग वो फंक्शनल ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, वो क्या करते हैं मेटा पोजिशनिंग, मेटा वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए उन पे जाके अदर ग्रुप से एटम जाकर उनका अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। खैर इन पे सभी पे बात करेंगे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिलहाल हम हैलोजन्स को बनाते हैं कौन कौन से मेथड से। तो हैलोजन्स की बनाने की विधि देखो, अब इसमें फर्स्ट ये तो हमने पता लगाया हैलोजन्स होते क्या है और एरल एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। अब इसके बाद बात करते हैं हैलोजन्स के बनाने की विधि। तो सबसे फर्स्ट पहले विधि बात करते हैं बनाने की, नंबर फर्स्ट इसको हम बनाते हैं सबसे पहले, इससे बनाते हैं इसको, हम बनाते हैं इसको बाल सीमेन रिएक्शन से। सबसे पहले बनाते हैं बाल सीमेन रिएक्शन, बाल सीमेन रिएक्शन। बाल्ज सीमेन रिएक्शंस यानी ये है BALZ, बाल्ज सीमेन, सीमेन, बाल्ज सीमेन रिएक्शन ये वाला। तो देखिए सबसे पहले बाल्ज सीमेन रिएक्शन से हम बना रहे हैं हैलोजन्स को, और ध्यान रखना बाल्ज सीमेन रिएक्शंस केवल क्लोरोबेंजीन बनाती है, उसके द्वारा और कोई हैलोजेंस नहीं बनता है। बाल सीमेन रिएक्शन देखो है क्या, मान ली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी डाइएजो ग्रुप लेते हैं, डाइएजो ग्रुप के टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन कराने पर फ्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा उसमें देखिए, हम पहले डाइएजो ग्रुप कंपाउंड लिए हमने, फर्स्ट कंपाउंड ये, इस पे डाइएजो ग्रुप है एन, डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड सीओ, इसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो N2 यानी क्या है, N2X क्या है, डाइएजो हैलाइड ग्रुप है। इस पे इसकी भी बनाने की विधि है, इस पे इसके बाद बनेंगे, फिलहाल बाल्ज सीमेन रिएक्शन से। तो बाल्ज सीमेन रिएक्शंस की हम किससे क्रिया कराते हैं, HBF4 से रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं, HBF4 यानी यह है टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, देखो टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, इससे रिएक्शन कराते हैं। इसमें देखो क्या है, ये H पॉजिटिव है और BF4 है नेगेटिव, H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। तो देखो यहां भी क्या है, इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। तो देखो BF4 क्या है, Cl को क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, और BF4 चला जाएगा Cl की जगह जुड़ जाएगा, और Cl नेगेटिव H पॉजिटिव से जुड़ करके बना लेगा HCl। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे कंपाउंड बना ये, ये आ जाएगा यहाँ पर भी N, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव तो है, यहाँ पे आ जाएगा BF4 नेगेटिव, यानी इस पे नेगेटिव और इस पे क्या बना हुआ पॉजिटिव, और यहां से क्या निकल जाएगा HCl। ठीक, तो ये क्या बने, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब ये क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या हो गया, रीअरेंज होगा, रीअरेंज, ये रीअरेंज क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे है, अनस्टेबल अस्थाई है, अनस्टेबल भी है, इंटरमीडिएट भी है और क्या है अनस्टेबल भी है।
अब ये क्या करेगा, देखो रीअरेंज करेगा अपने आप को, एक स्टेबल कंपाउंड में अपने आप को चेंज कर लेगा। कैसे चेंज करेगा, देखो इसमें एक एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव क्या करेगा, देखो इसमें यहां से यहां पे पोलैरिटी है, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या है यहां पॉजिटिव। तो देखो एफ नेगेटिव इस पूरे ग्रुप को क्या करेगा, हटाएगा, रिप्लेस करेगा इसको, और इसकी जगह पूरे ग्रुप के स्थान पे आ जाएगा क्लोरीन। यहां पे क्या आ जाएगा, एफ, ये वाला। यानी देखो इस BF4 में जो एफ नेगेटिव है वो एफ नेगेटिव पूरे ग्रुप को इसको हटा के खुद कार्बन से जुड़ जाएगा। इसके बाद देखो अभी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा N2 और प्लस BF3 अलग हो जाएगा। तो इसमें बनेगा ये N2 और प्लस BF3, ये है BF3, इसी कहते हैं फ्लोरो बेंजीन। क्या कहते हैं इसको, फ्लोरो बेंजीन। तो देखो इसी को कहते हैं बाल्ज-सीमन रिएक्शंस, लेकिन ध्यान रखना इससे केवल 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 क्लोरोबेंजीन बनती है और कोई से हैलोजन नहीं बनेगी। तो इसी को बाल्ज-सीमन रिएक्शन कहते हैं। पहले हमने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शंस कराई, इसका जो HBF4 नेगेटिव है वो Cl को हटा के नाइट्रोजन से जुड़ गए और यहां से HCl निकल गए। अब BF4 नेगेटिव ये क्या है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड और अनस्टेबल फॉर्म में है। इसमें जो F नेगेटिव इसके अंदर है, देखो BF4 में कैसे है, यानी बोरोन में ऐसे जुड़ा हुआ है F, ये नेगेटिव और ये ऐसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है F, और ये भी क्या है F, क्योंकि बोरोन के पास कितने आउटर मोस्ट सेल में 3। अब उसके एक तो हो नहीं सकते शेयरिंग में, तो फ्लोरीन ने क्या कर लिया है, वन साइड शेयरिंग कर लिया F नेगेटिव ने, जो न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज कहलाती है। F नेगेटिव इससे जुड़ा हुआ तो, लेकिन जब ये जब यहाँ पे डायज़ोनियम ये डायज़ो हैलाइड ग्रुप बना हुआ है, तो ये F नेगेटिव क्या करेगा, F नेगेटिव पूरे जो ग्रुप को हटाएगा यहाँ से N2 प्लस BF3 निकल जाएगा और ये फ्लोरीन डायरेक्ट जुड़ जाके जाके बेंजीनियम में और क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये हुई बाल्ज-सीमन रिएक्शंस। फिर करते हैं नंबर टू पे बात, एक हैलोजन्स तो हमने ये बनाई, अब देखो और किससे बना सकते हैं, दूसरी विधि है इसकी बनाने की। नंबर टू विधि देखिए, नंबर टू है उलमैन रिएक्शन। उलमैन रिएक्शंस, और ये भी नेमिंग रिएक्शंस है, वो भी नेमिंग रिएक्शंस थी। पहले नेमिंग रिएक्शन से बना लेते हैं, फिर उसके बाद सिंपल रिएक्शन देखेंगे। तो उलमैन रिएक्शंस क्या है, उलमैन रिएक्शंस होती है आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स किसकी प्रेजेंस में, यानी कॉपर के साथ क्यूब्रिक आयोडाइड के साथ रिएक्ट होकर के बनाते हैं क्या, डाईरिल कंपाउंड बनाते हैं, इसी को कहते हैं उलमैन रिएक्शंस। तो देखो कैसे रिएक्शंस दिखाते हैं उलमैन में, यानी ये है आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, यहां पे बनेगा भी ये आयोडोबेंजीन, ये क्या है आयोडोबेंजीन, और इसकी किससे रिएक्शन करा दें, कॉपर से रिएक्शन करा दें, फिर प्लस आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स ये ले लिए और ये क्या है कॉपर का पाउडर चूर्ण, और ये भी क्या है भी आयोडोबेंजीन, और इसको हीट करते हैं बहुत तेजी के साथ करेंगे। तो देखो भी आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स कॉपर पाउडर के साथ, कॉपर आयोडाइड नहीं केवल कॉपर, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाते हैं डाईरिल, यानी ये वाला आयोडीन और ये वाला आयोडीन दोनों कॉपर से जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे क्यूप्रस आयोडाइड, यानी यहां पे कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी ये बना ये वाला, और फिर प्लस क्या निकल जाएगा Cu2I2, क्या बनेगा Cu2I2, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे Cu2 से। तो देखो इसी को कहते हैं बाइफिनाइल कह दो या डाईरिल कह दो, डाई
तो यानी देखो हम ये कह सकते हैं यहां पर ये जो एरिल है एरिल कंपाउंड एरिल द्वारा आयोडीन परमाणु का क्या होगा विस्थापन और ये डायरिल बन गया है और डायरिल बनने के बाद इसी को उलमैन रिएक्शंस कहते हैं। देखो दो इसको बाइफिनाइल कह दो डाइफिनाइल या डायरिल कह दो लेकिन अब हमारे देखो आयोडीन तो दोनों निकल के बन गया डायरिल क्या बन गया भी डायरिल रिएक्शंस तो इसमें क्या करेंगे हम इसको इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं उलमैन रिएक्शंस तो ये उलमैन रिएक्शंस ये उसमें आ गई है तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गई है ना बनाने की विधि से थोड़े से हम अलग हो गए। इसके बाद दूसरी विधि बनाने की बात करते हैं उलमैन रिएक्शंस को अभी स्किप कर देना। तो देखो इसके बाद नंबर टू विधि देखते हैं नंबर टू विधि बेंजीन डायरिनियम बेंजीन डाइएजोनियम बेंजीन डायरिनियम हैलाइड द्वारा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड द्वारा यानी नंबर दो विधि अब ये है ठीक है हैलोजेंस बनाने की नंबर टू विधि है। तो देखो भी पहले तो एजो ग्रुप है क्या एजो ग्रुप देखो ये होता है एजो ग्रुप कहते हैं एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एक्स ये तो कहलाता है एजो हैलाइड ये तो कहलाता है एजो हैलाइड ये डाई एजो हैलाइड लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स इस पे पॉजिटिव और इसका आ जाएगा नेगेटिव इसको कहते हैं डाइएजोनियम हैलाइड इसको कहते हैं डाई एजोनियम हैलाइड ठीक है। तो ये ऐसे लिख दो डाइएजो हैलाइड या डाइएजोनियम हैलाइड ऐसे लिख दो दोनों ही डाइएजो ग्रुप के अंदर आते हैं। अब हमें पहले डाइएजो ग्रुप बनाना है उसके बाद हैलोरेंस बनेगा यानी यहाँ पे हैलोरेंस सिंगल स्टेप में नहीं बनेगा यहाँ पे कम से कम डबल स्टेप में जाके बनेगा। तो देखो इसको बनाते कैसे पहले तो डाइएजो हैलाइड हो गया यानी डाइएजो ग्रुप क्या है हमारा डाइएजो ग्रुप ये है इसको डाइएजो ग्रुप कहते हैं ये वाला डाइएजो ग्रुप है ये डाइएजो ग्रुप है और देखो हैलोजन है क्योंकि यहाँ हैलोजन नेगेटिव है इसलिए क्या है हैलाइड या एजोनियम हैलाइड का दो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन किस पे चला गया एक्स पे शिफ्ट हो गया एक्स पे नेगेटिव आएगा और एन पे आ गया पॉजिटिव तो इसलिए देखो इसमें ईएम भी लग गया है डाइएजोनियम हैलाइड। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं हम इसको बनाएंगे कैसे देखो सबसे मेन विधि है इसको एरोमेटिक एमीन से बनाएंगे तो यहां पहले NH2 मिलाओ इसमें और मिलाएंगे हम इसमें NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मिला देंगे HNO2 ये मिलाएंगे इसमें ये बोला इसका नाम है एनिलीन ये है एनिलीन ये है नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड तो देखो यानी एनिलीन क्या है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं NaNO2 plus HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस इसको कोल्ड करते हैं यानी NaNO2 plus HCl क्या है फ्रेशली HNO2 बनाते हैं और HNO2 उस रिएक्शन के टाइम पे ही बनेगा उससे रिएक्ट करता है क्योंकि HNO2 एक अनस्टेबल एसिड है जो रूम टेम्परेचर पर ना क्या हो जाता है रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है इसलिए इसको रिएक्शन के टाइम पे ही बनाया जाता है। तो देखो अब यहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी एमीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा रहे तो यहाँ पे देखो बनेगा क्या यानी देखो अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं पहले देखो स्टेप्स में देखते हैं इसको रिएक्शन को पहले स्टेप्स में बनाते हैं यहाँ पे देखो पहले रिएक्शन क्या बनेगी पहले HNO2 को कैसे बनाएंगे
NaNO2 plus HCl। इसका टेम्परेचर रखो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, इसको फोल्ड कर दो। तो यहां से क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो देखो यहां से HNO2 बन जाएगा और NaCl बनेगा। तो यहां से बन गया HNO2 प्लस में क्या बनेगा, NaCl। अब इस HNO2 की रिएक्शंस करा दो, यानी नाइट्रस एसिड, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। अब इसकी रिएक्शन करा दो एनिलीन से, यानी एरोमेटिक प्राइमरी एनिलीन से। तो यहां पे NH2 आ गया, इसमें मिला दो नाइट्रस अम्ल HNO2 और प्लस में क्या रखेंगे साथ में HCl। वही टेम्परेचर कितना रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है, इसको कोल्ड करना है, ठीक। इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम एनिलीन है। अब एनिलीन का देखो HNO2 प्लस HCl से रिएक्ट होने के बाद ये बनेगा एजो ग्रुप। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एजो ग्रुप, N डबल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड और प्लस बन जाएगा H2। यानी देखो यहाँ पे H2 कितने बन जाएंगे, 2। तो इसी कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाइजिनियम क्लोराइड। ये बनेगा बेंजीन डाइजिनियम क्लोराइड और एक है एक डाई है, डाई क्या है, वो डाई कैसे कलर आते हैं इसका, रेड कलर, रेड कलर। यानी एक डाई है, कैसे कलर की डाई बनती है, रेड कलर की। तो देखो जब हम एरोमेटिक प्राइमरी एमीन की हम रिएक्शन कराते हैं NN2 प्लस HCl के प्रेजेंस में HNO2 के साथ, तो क्या है वहां पर एक डाइजो ग्रुप बनेगा। उस डाइजो ग्रुप के बनने को ही कहते हैं डाई एजोटीकरण या डाई एजोटीजेशन कहते हैं। यानी ये रिएक्शन भी नेमिंग बन गई डाइजोटीकरण। तो क्या कहते हैं इसको, डाइजो ग्रुप। देखो डाइजो ग्रुप है, यानी इस डाइजो ग्रुप का बनना ही क्या कहलाता है, डाई एजोटीकरण। तो इसके रिएक्शन का नाम हम लिख सकते हैं डाई एजोटीजेशन, डाई एजो टी जेसन। तो ये डाई एजो टी जेसन रिएक्शन बनती है, तो इसको डाई एजो डिफरेंट कहते हैं। लेकिन अभी हमारा इस रिएक्शन में हैलोजन्स नहीं बनना है, रिएक्शन बनेगा सैंड में रिएक्शन। तो डाई एजो टी करण कंप्लीट हुए, अब हैलोजन्स बनाने के लिए चलते हैं सैंड में रिएक्शन की तरफ। तो देखो सैंड में रिएक्शन यहां तो ये बन गए, अब इसके बाद सैंड में रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो देखो पहले तो डाइजो ग्रुप कंप्लीट किया हमने, अब डाइजो ग्रुप को बनाते हैं सैंड में रिएक्शंस। नंबर 3 है ये, नंबर 3 बनाते हैं सैंड मेयर रिएक्शंस, सैंड मेयर रिएक्शंस। तो ध्यान रखना, यानी डाइजोटीकरण में केवल डाइजो ग्रुप बने हैं, अभी हैलोजन्स नहीं बना है, हैलोजन्स बनेगा इस वाले रिएक्शन में सैंड मेयर में। तो सैंड मेयर रिएक्शन क्या है, देखो यहां पे हमने डाइजो ग्रुप बना लिया था N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें Cu2Cl2 प्लस HCl या N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl और यहां मिला दो इसमें Cu2 Br2 प्लस HBr। इसको भी हीट किया, इसको भी हीट किया। यानी देखो सैंड में रिएक्शन है क्या, जब हम बेंजीन डाइजिनियम क्लोराइड की Cu2Cl2 प्लस HCl या Cu2Br2 प्लस HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्लोरीन या ब्रोमोरीन प्राप्त होता है, इसी को कहते हैं सैंड में रिएक्शंस। तो देखो यहां जो H हाइड्रोजन के साथ जो हैलोजन है, हाइड्रोजन के साथ जो हैलोजन है, ये हैलोजन इस पूरे जो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी इस पे है पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, इस पे भी है पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो देखो यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की, यहाँ भी किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की। यानी देखो जो रिंग है, रिंग में कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, नाइट्रोजन की।
तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है किसको शिफ्ट हो गया हल्के से, नाइट्रोजन ग्रुप। तो देखो ये एज ग्रुप है नेगेटिव, ये भी एज ग्रुप है नेगेटिव, तो इसको न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज इसको रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगी। और न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज क्या है, पर हैलाइड आयन। तो ये हैलाइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज है जिसके द्वारा डाइजो ग्रुप का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा और ये एजो ग्रुप जाकर रिंग से जुड़ जाएगा और हैलोजन्स बना लेंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं ये हैलोजन्स, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो इसको, और ये हैलोजन्स इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो देखो बनेगा ये, यानी यहां पे तो आ जाएगा Cl प्लस, क्या बन जाएगा यहां पर N2, और फिर प्लस क्या बचेगा भी Hu पॉजिटिव। ऐसे यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा Br, ये Br बनेगा और फिर प्लस वही N2 और फिर प्लस Hu पॉजिटिव, यानी ये तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या बनेगी ब्रोमो बेंजीन, ये बना ब्रोमो बेंजीन। तो देखो यही सैंड में रिएक्शंस है, यानी ध्यान रखना कौन से रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SN रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन है, SN रिएक्शन, ये SN रिएक्शन है इसमें, ठीक। तो यही सैंड में रिएक्शन द्वारा हैलोजन हमने बनाया, ठीक। इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी विधि, तो ये तो नंबर थ्री हुई, और इसके द्वारा देखो हम और कैसे कैसे बना सकते हैं। अब चौथी विधि है नंबर फोर, नंबर फोर्थ मेथड, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हम सीधे हैलोजनीकरण कर दें तो भी हमें हैलोजन्स प्राप्त होगा, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजनीकरण हमेशा ध्यान रखना सनलाइट के एब्सेंस में होगा, इन डार्क होगा और हैलोजन वाहक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, तब हैलोजन हमें प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, तो देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा, सीधे हैलोजनीकरण द्वारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा। तो देखो सीधे हैलोजनीकरण से इसको कैसे बनाते हैं और कौन सी प्रतिस्थापन विधि है, इसमें देखो पहले क्या है FeCl3 एक लुईस एसिड है, FeCl3 क्या है एक लुईस एसिड है जिसके पास सॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रति क्या रहती है, अट्रैक्ट रहती है। तो ऐसी स्पीसीज कहते हैं हम लुईस एसिड, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक। तो अभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कैसे करेगा, कैसे इलेक्ट्रोफाइल, इसका मेन वर्क है FeCl3 का मेन वर्क है इलेक्ट्रोफाइल को बनाना। कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, देखो जब हम इसमें Cl2 मिलाएंगे, देखो जब इसमें Cl2 मिलाएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स इसके बचे हुए, इन्हें कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी FeCl3 में जब हमने Cl2 मिलाया तो FeCl3 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो FeCl3 अपने लिए इलेक्ट्रॉन, अपने पूरे करने के इलेक्ट्रॉन एक Cl को अपनी तरफ खींचने लगेगा, तो ये वाला Cl अपनी ओर खींचने लगेगा, इस Cl को अपनी ओर खींच रहा है तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस पे बन जाएगा नेगेटिव। यानी अभी तक Cl Cl के बीच में पोलैरिटी क्या थी, जीरो थी, लेकिन जैसे ही FeCl3 में हमने इसको मिलाया FeCl3 ने क्या करा है, इसमें पोलैरिटी बना दी, और पॉलिटी बनाने पे क्या हो गया, एक सेल पे पार्शियली पॉजिटिव बन गए और एक सेल पे पार्शियली हो गए नेगेटिव। अब देखो FeCl3 यानी Cl से इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, FeCl3 Cl को इसलिए खींच रहा है ताकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ज्यादा और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, क्योंकि FeCl3 क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए Cl के इलेक्ट्रॉन इसको देखिए Cl को इसने अपने खींचना शुरू करा,
तो सीएल जब इसके पास आएगा तो सीधी बात है ये वाले शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स भी सीएल अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसके पार्शियल नेगेटिव, इसके पार्शियली पॉजिटिव। अभी नेगेटिव वाला तो FeCl3 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा, Cl पॉजिटिव क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो देखो इसमें बनेगा ये FeCl4 नेगेटिव और फिर प्लस Cl पॉजिटिव, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो FeCl3 काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को बनाना, वो बना दे इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बेंजीनिंग पर अटैक करेगा, तो इसका ये तो हो फर्स्ट स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे देखो यहां, सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहां पे जो हाइड्रोजन है अब ये Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव क्या करेगा, इस पर Cl पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम, तो Cl इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पे आ जाएगा Cl और फिर प्लस बनेगा H पॉजिटिव। अब जैसे ही बेंजीनिंग H पॉजिटिव आयन को फ्री करती है, FeCl4 वहां से Cl नेगेटिव को फ्री कर देगा, तो यहां पे बनेगा भी FeCl4 नेगेटिव और फिर प्लस H पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा यहां से FeCl3 और प्लस HCl, यानी ये बन गया फेरिक क्लोराइड। क्या बन गया, ये फेरिक क्लोराइड, यानी FeCl3 एज ए कैटलिस्ट है, जैसे मिलाया था ऐसे ही बाद में रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद अलग हो गया। तो देखो यानी रिएक्शंस पहले यहां पर क्या, इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल ने रिंग पर अटैक किया, वहां से एच पॉजिटिव को अलग किया और Cl वहां रिंग में जुड़ गया, H पॉजिटिव को हटा के Cl पॉजिटिव रिंग में जुड़ गए कार्बन नेगेटिव से। H पॉजिटिव आयन जैसे ही फिर हुआ FeCl4 ने Cl नेगेटिव को छोड़ दिया, Cl नेगेटिव को उसने क्या कर रखा, Cl को जोड़ रखा नेगेटिव को, FeCl4 ने कहा भी H पॉजिटिव आप H पॉजिटिव से जुड़े और जाइए, तो इसने FeCl3 plus HCl बना दी फेरिक क्लोराइड, यानी ये बना क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन यानी अब हमें ये है इसका एक तरीके से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डायरेक्ट हैलोजनीकरण, ठीक। तो अब इसके द्वारा हम जैसे ब्रोमोबेंजीन आयडोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन देखो ब्रोमोबेंजीन में कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा FeBr3, यानी हम इस रिएक्शन में क्या करते हैं, वैसे मान ले आयरन लेते हैं और प्लस हैलोजन, आयरन और हैलोजन मिलकर क्या बना लेते हैं, एक यानी लुईस एसिड बना लेते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं और जिसका मुख्य वर्क है इलेक्ट्रोफाइल को बनाना। इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तभी तो रिंग पर अटैक करेगा, तभी तो रिंग हैलोजन्स बनेगी। तो अब लेकिन आयडोबेंजीन, आयडोबेंजीन है ना, देखो आयडोबेंजीन यहां से डायरेक्ट नहीं बनेगी, आयडोबेंजीन को कैसे बनाते हैं वो देखिए। आयडोबेंजीन आइडोबेंजीन को देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यहां पर ये बेंजीन है प्लस, इसमें मिला दो आई टू, इसकी प्रेजेंस में एफपीआई, लेकिन हाँ आयोडीन से करा रहे हैं इसकी रिएक्शन, तो हमें यहां पर कोई हैलोजन वाहक लेना पड़ेगा HIO3, किसमें, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन एबसेंस ऑफ सनलाइट और इन डार्क। तो यहां पे क्या बनेगा देखो, यहां पे बन जाएगा आयडोबेंजीन और फिर प्लस क्या बनेगा एच, यानी इस वाले आयोडीन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और कार्बन से जाकर जुड़ गए, आयडोबेंजीन बना प्लस एच। एच एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हमने ये चीज नहीं मिलाया, आयोडिक एसिड नहीं मिलाया, ये एच ए आयोडोबेंजीन को दोबारा बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए HIO3 इस रिएक्शन को फॉरवर्ड चलाता है। HIO3 का काम है एच आई को यहां से इस रिएक्शन में से हटाना और इसको ऑक्सीडाइज कर देना आई टू प्लस एच फोर, तो थ्री यहां पर थ्री आ जाएगा, थ्री टू जस्ट सिक्स,
अपडेट 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव, यहाँ भी 0। इन्हें देखो HAO3 ने काम क्या किया, HA एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडोबेंजीन को बेंजीन में बदल देगा, इसलिए आयोडिक एसिड इसमें मिलाते हैं क्योंकि स्लो रिएक्शन होती है। HAO3 HA को I2 में रिड्यूस कर देगा, यानी वहाँ HA रहेगा नहीं, जब HA वहाँ रह भी नहीं पाएगा तो फिर आयोडोबेंजीन का दोबारा रिडक्शन नहीं होगा, तो हम इसको ऐसा आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, इसका नाम है आयोडोबेंजीन और इसका नाम है बेंजीन, ये वाले बेंजीन। ठीक, बेंजीन के बारे में थोड़ा सा आपको एक डिटेल्स बता दूं। देखो बेंजीन को फीन कहते हैं, PHENE फीन। इसकी खोज फैराडे वैज्ञानिक ने करी थी, कैकुले ने इसकी स्ट्रक्चर बनाई, कैकुले ने सांप की बैठने के आधार पर बेंजीन की स्ट्रक्चर बना दी थी, तो इसके संरचना स्ट्रक्चर का श्रेय कैकुले को जाता है और खोजकर्ता है इसके फैराडे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं और प्रॉपर्टीज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तो थैंक यू वेरी मच, और अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर करते रहें और बताते रहें।